ये देखें यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर गाड़ी निकाली एक, हमारी गाड़ी भी फंसी है यहाँ पर, कई सारी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक गाड़ी तो निकल गई है फिलहाल दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। ओ भाई साहब, मैट देखें, मैट रख रख के निकालनी पड़ रही है। एक और गाड़ियाँ धीरे धीरे, सारी गाड़ियाँ निकालनी पड़ेगी तभी जाके बात बनी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो रखा है। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बर्फ जमी पड़ी है, वैसे गाड़ी बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। ये देखें बहुत ज़्यादा फिसलन भरा ये जगह है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बर्फ है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पैदल निकलूं, क्योंकि पूरा जाम लगा है, मुझे चम्मा जाने के, आप आगे से कुछ मिल जाए तो यहाँ से जो है पैदल पैदल जाना पड़ेगा मुझे चम्मा के लिए, क्योंकि आज चम्मा वास्तव बहुत जरूरी है। मेरे जूते पूरे गीले हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये देखें आप, गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये मैं सुरकंडा देवी वाले पहाड़ में हूँ अभी, और यहाँ से जो है चंबा की तरफ वापस रवाना हो रहा हूँ फिलहाल अपने घर की तरफ। और बर्फबारी जो है कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो यहाँ पर रोड तो खुली है लेकिन गाड़ियों का जमावड़ा है बहुत ज़्यादा। हालांकि मुझे लगता है बस अगर यहाँ से गाड़ी निकल गई तो चंबा जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर कुछ ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, बाकी जगह तो इतनी पड़ी नहीं है, लगता है कि सब गल गई। और ऊपर मंदिर जाने का रास्ता एक और है यहाँ से, देखिए तो देखते हैं कि क्या होता है। और देखें ये है और रास्ता मंदिर जाने का। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो देखें यहाँ से क्या दिख रहा है नज़ारा। ये देखें देखिए पूरा पहाड़ जो है बर्फ से भरा पड़ा है। तो वो भाई से मैंने पूछा, उसने कहा कि आगे भी एक जगह गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर ज्वारना पहुँच चुका हूँ फिलहाल, यहाँ से बहुत ज़्यादा है चंबा। देखिए ज्वारना, ये पीछे देखिए सुरकंडा देवी का पहाड़ पूरा दिख रहा है यहाँ से। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ ऊपर। ये देखें मंदिर में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है ऊपर, पूरा पहाड़ में धूप ही नहीं आई है तो गलेगी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा नीचे तक जा रखी है। कुत्ते वाली जो संगल भी होती है ना वो भी चल जाती है। अच्छा वो भी चल जाती है। हाँ। अभी तो मैट लगा लगा के चल रहा था।